ओम शांति। 21/3/2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, चेक करो कि आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी कितना समय रहते हैं। प्रश्न, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनके मुख से कभी उल्टा सुलटा बोल नहीं निकलेगा। दूसरा, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, सदा शीरखंड होकर रहेंगे। तीसरा, धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। चौथा, उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा। पांचवा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है, अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात करते हैं, यह अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुलटा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले लेकिन इन दो विशेषताओं में सफलता को पाते। कोई भी सेवा मिले लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते, सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि उतर जाऊं, पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी, इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टियों